लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। केरल में एक बच्चे ने जन्म लेते ही अपनी बीमार मां की जान बचा ली, जिसके बाद ये नवजात बच्चा चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बच्चे की मां बेटिना ब्रेन इंजरी के बाद जनवरी 2018 से हॉस्पिटल में भर्ती थी। बेटिना को ये ब्रेन इंजरी उनके प्रेग्नेंट होने के 3 महीने बाद हुई थी, जिसके बाद उनके शरीर का आधा अंग लकवाग्रस्त हो गया था। बेटिना 2 महीने तक वेंटिलेटर पर रही और उसके बाद आईसीयू में शिफ्ट की गई। हालांकि डॉक्टर बच्चे की सेहत को लेकर काफी चिंतित थे। उन्हें इस बात की चिंता था कि बेटिना को जिंदा रखने के लिए जो दवाएं दी जा रही हैं, उसका बच्चे पर कोई बुरा असर ना पड़े। लेकिन जब बच्चे का जन्म हुआ तो चमत्कार हो गया, जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। सबसे पहले तो सबको इस बात का विश्वास नहीं हो सका कि बच्चा इतनी अच्छी तरह से विकसित कैसे हुआ। 14 जून को हुई सर्जरी के जरिए बच्चे का जन्म हुआ, जिसके बाद बेटिना कोमा की स्थिति से बाहर आने लगी। बच्चे के पिता ने अपने बेटे का नाम एल्विन रखा है। बेटिना ने भी जन्म देने के बाद अपने बच्चे को गोद में लिया। बच्चे की वजह से उसकी मां को दोबारा जिंदगी मिली है। बीमारी शुरू होने के बाद ऐसा पहली बार था जब बेटिना ने अपनी उंगलियों, आँखों और पूरे शरीर को हिलाया। बच्चे के जन्म बाद बेटिना की सेहत में बहुत अच्छा सुधार हुआ और 10 दिन बाद उसे छुट्टी दे दी गई। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी अपेक्षा से ज्यादा तेजी से बेटिना ठीक हुई। बेटिना और उनके पति के अब कुल 2 बच्चे हैं।